नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रॉयल यात्रा पर एक बार पुनः। जैसा हम सभी को पता है कि भारत अपनी संस्कृति के लिए, अपने विभिन्न परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। अभी तुरंत ही हाल के दिनों में कहूँ, आप अभी आप देख रहे हैं तो शायद मना भी रहे होंगे, अभी करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है और इसी को लेकर हम लोग अभी पहुँचे हैं जानने के लिए कि आखिर करवा चौथ की जो कहानी क्या है, परंपरा क्या है और कैसे मनाई जाती है और हमारे शास्त्र इसको लेकर क्या कहती है। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है शिष्याचार्य पंडित नंद किशोर तिवारी जी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं करवा चौथ की, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले मुझे बताइए कि कैसे हुई भारत में। देखिए, यह वामन पुराण की कथा है। वामन पुराण में इसकी कथा विस्तार से बताई गई है। सर्वप्रथम जब युद्ध का समय था, युद्ध के समय में भारतवर्ष की महिलाएं बहुत दुखी थीं, उनके पति और समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, तो ब्रह्मा ने भारत की महिलाओं को व्रत करने के लिए गणेश चतुर्थी व्रत करने का आदेश दिया था। इसके बाद की कहानी आती है कि द्रौपदी चिंतित थी, यानी महाभारत में आ गए, महाभारत में द्रौपदी चिंतित थी। उनके पति अर्जुन चले गए थे तपस्या करने के लिए जंगल में, पहाड़ पर कठिन तपस्या था। चिंतित थी कि मेरे सुहाग की रक्षा कैसे होगी। यह चिंता लेकर के द्रौपदी कृष्ण भगवान के पास जाती है। कृष्ण भगवान से पूछती है कि हे केशव, मेरे सौभाग्य की रक्षा कैसे हो, ऐसा कोई व्रत है, कोई त्योहार है, कोई उपाय है तो आप बतलाइए, जिसको मैं करूंगी। द्रौपदी की इस चिंता को देखकर भगवान कृष्ण ने एक उपाय बताया, जो माँ पार्वती ने एक बार पूछा था भगवान शिव से। तो पार्वती के पूछने पर शिव ने कहा था, उसी उपाय को मैं, हे देवी, तुमसे बतला रहा हूँ। शिव ने कहा था कि इंद्रप्रस्थ नामक एक नगरी है, जहाँ बहुत से विद्वान ब्राह्मण लोग रहते हैं एक साथ, स्वधर्म का पालन करते हैं, सनातन धर्म के नियमों में बंध कर अपना जीवन चलाते हैं। वहीं वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी थी लीलावती, उनको 7 पुत्र और 1 कन्या। एक कन्या इसका नाम था वीरवती। वीरवती बहुत धार्मिक विचारों की थी। उस कन्या का विवाह उन्होंने योग्य ब्राह्मण के लड़के के साथ कर दिया। कालांतर में उनकी भाभियों ने एक व्रत किया। भाभियों को व्रत करते हुए देखकर वह वीरवती भी व्रत की अपने पति की लंबी आयु के लिए। दिन भर सही, शाम जब हुआ, शाम में वह बेहोश हो गई। कुछ खाई नहीं थी, कुछ भोजन ग्रहण नहीं की थी, दिन भर निराहार, जल भी नहीं ली थी। 7 भाइयों में वह अकेली बहन थी, इसलिए भाइयों की प्यारी थी, दुलारी थी, लाडली थी। तो भाइयों ने उद्योग किया कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे मेरी बहन कुछ भोजन कर ले ताकि होश आ जाए। उसका जो बड़ा भाई था, एक सामने पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ जाने के बाद एक अलावा जलाया और शेष 6 भाइयों ने कहा कि देखो बाना, चंद्रमा निकल आए हैं, चंद्रमा को देख करके अपना व्रत तोड़ लो। वह उठती है, देखती है कि चंद्रमा तो निकल आए, चंद्रमा को देखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है, पूजा करती है और फिर पारण कर लेती है। लेकिन चंद्रमा तो निकले नहीं थे, इसलिए वीरवती नामक कन्या का व्रत भंग हो जाता है। व्रत भंग हो जाने से पति अलक्षित हो जाते हैं। इसे किसी ग्रंथों में है कि पति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर वह शिव की पूजा करती है, बहुत दिनों तक शिव की पूजा करती रही। वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे शिव, शिवा, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा होती है। तो वह लिख करके शिव, शिवा, कार्तिकेय और चंद्रमा का नाम लिख करके पूजा करने लगी। पूजा के प्रभाव से स्वर्ग लोक से इंद्र की पत्नी सची
चली आई खुद उस वीरवती कन्या के पास। कन्या के पास आकर पूछती हैं कि हे देवी बता तुम्हारे साथ क्या हुआ। वह वीरवती कहती है कि मैं तो व्रत किया गणेश चतुर्थी के दिन दिन भर सही, लेकिन न जाने किस पाप के कारण मेरा पति दिखलाई नहीं पड़ता, अदृश्य हो गए हैं। तो इंद्राणी कहती हैं कि ये देवी तू तो व्रत की लेकिन सामने जो चंद्रमा को अर्घ दी वह चंद्रमा नहीं थे, तुम्हारे भाइयों के द्वारा किया गया वह एक उद्योग था ताकि तू कुछ भोजन कर ले, तू बेहोश हो गई थी इसलिए उसने अलावा जला करके चंद्रमा का एहसास करा करके तुम्हारा व्रत भंग करवाया, तुम्हारा पारण करवाया, उसके दुष्प्रभाव से तुम्हारा व्रत भंग हो गया और जो तू व्रत की थी उसके पुण्य प्रभाव से मैं तुम तक चली आई और व्रत भंग होने के कारण तुम्हारा पति अदृश्य हो गया, अलक्षित हो गया। तो अब मैं क्या करूं, तो तू फिर से व्रत कर और व्रत करेगी तुम्हारा पति तुम्हारे पास आएगा, दिखलाई पड़ेगा, ऐसा मैं वचन देती हूँ। कह करके इंद्राणी पुनः वापस स्वर्ग चली जाती हैं। फिर व्रत करती है वह एक साल के बाद अपनी भाभियों के साथ वह व्रत करती है। व्रत के प्रभाव से इंद्राणी आती हैं, उस कन्या वीरवती से जल मांगती हैं, एक चुल्लू जल लेकर के छिड़ती हैं। उनका पति जीवित होता है, उनका सौभाग्य वापस आता है। उसके बाद वो कहती हैं इंद्राणी ये देवी आज का दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष का चतुर्थी तिथि है, तृतीया उपरांत सायंकालीन चतुर्थी तिथि के दिन जो महिलाएं अपने सौभाग्य को हमेशा देखना चाहती हैं, अखंड सौभाग्य की कामना करना चाहती हैं, हमें इस व्रत को करें तो उनका सौभाग्य अखंड रहेगा। तब से यह महिलाएं आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन रात्रिकालीन चतुर्थी को इस व्रत को करती हैं। अन्य कथा के माध्यम से दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक महिला थी जिसका नाम करवा था। करवा का पति तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाता है, वहाँ जाने के बाद नदी में घड़ियाल था, मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ लेता है, घींच लेता है। वह चिल्लाता है करवा करवा, अपनी पत्नी को बुलाता है। करवा दौड़ती है, अपने पूजा पाठ के प्रभाव से एक धागे से उस घड़ियाल को पेड़ से बांध देती है, घड़ियाल धागे को तोड़ नहीं पाता। उसके बाद चली जाती है वह यमलोक जाकर के यमराज से कहती है कि मेरे सौभाग्य को आप वापस कीजिए। यमराज कहते हैं कि नहीं देवी, उसका आयु समाप्त हो रहा है। इस पर वह कन्या कहती है कि मैं आपको श्राप दूंगी, नहीं तो आप मेरे पति को वापस कर दीजिए। स्त्री के श्राप के भय से उन्होंने वरदान दिया कि जा, तेरा सुहाग वापस लौट आया है, तू जा धरती पर। आती है भी वह करवा, अपने पति को जीवित पाती है। वह दिन भी कार्तिक कृष्ण का चतुर्थी था, तब से यह व्रत होने लगा। क्योंकि दक्षिण भारत की कथा है इसलिए दक्षिण भारत में यह ज्यादा प्रचलित है, धीरे धीरे उत्तर भारत में और सब तरह यह प्रचलन हो गया। अच्छा, मुझे दूसरा सवाल ये है कि ये जो करवा चौथ है इसमें किस देवी देवता की पूजा की जाती है? करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की पूजा होती है, शिव शिवा पार्वती की पूजा होती है, कार्तिकीय की पूजा होती है और पति की पूजा होती है। चंद्रमा को देख करके अर्घ महिलाएं देती हैं, सामने जब चंद्रमा रात्रि में उगते हैं चंद्रोदय के बाद अर्घ देती हैं, अर्घ दे करके तब भोजन करती है। तो बहरहाल अगर बात करें इस करवा चौथ पूजा की, तो पूजा की विधि क्या होती है महाराज? पूजा में लड्डू बनाती हैं महिलाएं अपने में, क्षेत्र प्रधान व्रत है या दक्षिण भारत का व्रत है, तो वह कच्चे मिट्टी के पात्र में चीनी के चाशनी टाइप का लड्डू टाइप का बना करके 13 लड्डू बना करके पूजा करती हैं। कहीं 13 बनता है, कहीं 20, कहीं 21, अपने अपने क्षेत्र के आधार पर लड्डू बना करके पूजा करती हैं और दूध से अर्घ देती हैं चंद्रमा को। अच्छा, इस प्रकार से तो आगे बढ़ती है, लेकिन महाराज अभी देखते हैं हम लोग की 2022 की बात करें, मॉडर्न भारत हो चुका है, तो एक प्रचलन हम लोग देखते हैं, एक होता है चन्नी जिस प्रकार से लोग बोलते हैं, उसमें चांद को और फिर पति को देखना, तो ये वास्तव में क्या शास्त्रों के अनुसार सही है या शास्त्रों में इसका वर्णन है क्या? नहीं, जहाँ तक हमने पढ़ा है वर्तराज ग्रंथ है उससे हमने आपको वहीं से मैं बताया हूँ आपको
फिर वर्त परिचय है, वहाँ की कथा है। इस जगह पर कहीं भी चलने का कहीं कोई प्रसंग नहीं है, चलने यहाँ इससे पति को देखो। पति तो हमारे भारत में देवता है स्त्रियों के लिए, साक्षात पति परमेश्वर देवता का स्वरूप है स्त्रियों के लिए, और पति को देखने के लिए किसी पर्दा किसी चांदनी की क्या आवश्यकता है हमारे देश में। हाँ, तो पति को देखकर परमेश्वर को देखने का लाभ प्राप्त होता है। तो ये हमारे समाज में कैसा है, अगर आप अनुभव के बात करें? अनुभव के आधार पर तो हम भी तो सिनेमा या टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, चलनी में पति को देखती हैं। यह सब आधुनिकता का टेलीविजन का कहे कि मतलब ये हो गया, और फिर जो सिनेमा से आएगा, सिनेमा कलाकारों ने इसको प्रस्तुत किया, लोग महिलाएं देखी और उसको अपने जीवन में उतार ली। ऐसा कोई मतलब शास्त्र में इसका कोई वर्णन है? चलने का कहीं कोई वर्णन नहीं है, व्रत का वर्णन है, उपवास का वर्णन है। अजय महाराज, हम बात करें जैसे कि शास्त्र संगत जो बातें आपने बताई उसके अनुकूल अगर उसके विपरीत होकर कोई पूजा करता है तो उसका क्या दुष्प्रभाव भी होता है क्या? हमने बताया ना कहानी में कि वह महिला जो थी वीरवती नाम की जो कन्या थी, वेद शर्मा की बेटी थी, वह व्रत तो की लेकिन समय तक व्रत न कर सकी, वह पारण कर ली, अन्न ग्रहण कर ली, उसका दुष्प्रभाव हुआ कि उसका पति अदृश्य हो गया, अलक्षित हो गया। तो व्रत भंग होने पर, व्रत का नियम पालन नहीं करने पर व्रत भंग हो जाता है, उसका दोष लगता है। दोष लगने पर जिस पुण्य की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है वह फल प्राप्त नहीं हो पाता। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि उसने सही ढंग से नहीं किया। तो शास्त्र में इस चंदनी का तो जिक्र नहीं है, तो अभी के जो लोग कर रहे हैं, महिलाएं जो भी हमारे माता बहन कर रहे हैं, तो वो क्या पुण्य के भागी हो रहे हैं या पाप के भागी हो रहे हैं उससे? पुण्य पाप तो दूर है, पति और पत्नी के बीच में चलनी आ जाने के कारण मतभेद हो गया है। आज घर घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, लगाव नहीं, व्रत भी करती हैं जबरदस्ती पति से बातचीत नहीं है, पति से झगड़ा कर बैठती हैं, वैचारिक मतभेद है लेकिन पति के लिए व्रत करती हैं। इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पति रे को गुरु स्त्री राम, पति ही परमेश्वर है। पति कहे कि व्रत मत कर तो स्त्री व्रत न करे, पति के आज्ञा के बिना यदि व्रत करती है तो व्रत जनित जो पुण्य बताया गया है शास्त्र में उससे वह वंचित रहती है। पति आदेश करे कि व्रत कर तभी व्रतों का पुण्य उसको प्राप्त होता है, अन्यथा पति की अनुमति के बिना यदि कोई भी भारतीय महिला कोई व्रत करती है, पूजा करती है, पाठ करती है तो उसे कभी भी कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में, हर ग्रंथों में, हर पुराणों में इसकी चर्चा है। जाते जाते एक दो सवाल और बचे हुए, मैं जानना चाहूंगा कि इस व्रत को कौन कौन सी स्त्रियां कर सकते हैं? अभी देख रहे हैं हम नए नए युवाओं को जो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी हो रही है, तो कुछ अविवाहित लड़कियां भी कर रही हैं, कन्याएं भी कर रही है, तो कितना ये सही है और किन लोगों को करना चाहिए? अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शास्त्र में तो शादीशुदा स्त्री की चर्चा है जो मैंने बताया जी। कुमारी कन्या कर सकती है कि नहीं? कुमारी कन्या भविष्य में सुंदर पति प्राप्ति के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। महाजनों ये नगरता सपन्था के आधार पर विद्वान लोग कहते हैं कि अपने सुंदर वर की प्राप्ति के लिए महिलाएं शिव की पूजा करती हैं, गौरी की पूजा करती हैं, लेकिन करवा चौथ तो शादीशुदा ही करती जी। यानी कि जो अविवाहित या जो कन्या विवाह नहीं की है तो उसके लिए यहाँ करवा चौथ व्रत नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। तो बहरहाल सारी चीजें आपने जानी, और जाते जाते महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे संदेश के रूप में, करवा चौथ की महत्वता के रूप में और अपने संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पति की अनुमति लेकर के, पति से आदेश लेकर के महिलाएं व्रत को करें तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। जिसकी शादी नहीं है, जो कुंवारी कन्या है, वह अपने पिता से अनुमति ले, माता से अनुमति लेकर के उनके लायक जो पूजा पाठ कर सकती हैं, वेद मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगी, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, नाम जपें, इससे उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। महाराज जी हमें ये बताइए, अंत में जाते जाते 2022 अभी चल रहा है और इसमें हम लोग गूगल वगैरह करते हैं, खास करके अभी कुछ भी जानकारी लेना पड़ता है तो हम लोग गूगल ज़्यादा करते हैं, तो उसमें दो तिथियाँ बताई गई है, किसी में 13 है, किसी में 12 है, किसी में 14 है, तो एक्चुअल में जो पूजा की तिथि है, समय है, वो कब है, कैसे है? देखिए, तिथियों की चर्चा शास्त्रों में व्रत विशेष के लिए अलग अलग है,
कौन सा व्रत किस आधार पर होगा इसका निर्णय शास्त्र करेगा, गूगल नहीं करेंगे, गूगल बाबा नहीं करेंगे। तो शास्त्र में सामान्यतः उदय व्यापनी तिथि की प्रधानता होती है, लेकिन व्रत विशेष के अनुसार तिथि का परिभाषा बदल जाता है। जैसे करवा चौथ, करवा चौथ चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी व्रत उदय व्यापिनी तृतीया तिथि के बाद जब रात्रि में सायंकालीन प्रदोष व्यापिनी में चतुर्थी तिथि लग जाए उस दिन करवा चौथ या गणेश चतुर्थी व्रत होता है। आज तृतीया तिथि है, आज रात्रि काली रात के 2:00 तक तृतीया तिथि ही है, इसलिए आज गणेश चतुर्थी व्रत नहीं हुआ या करवा चौथ नहीं हुआ। कल उदय व्यापनी चतुर्थी तिथि है और देर रात तक भी चतुर्थी तिथि है, तो रात्रि में प्रदोष व्यापनी तिथि में चतुर्थी तिथि कल है, इसलिए कल करवा चौथ गणेश चतुर्थी व्रत होगा, यानी 13 तारीख को करवा चौथ रहेगा। जी, तो बहरहाल आप सब चीज देख रहे हैं और हमने महाराज जी से सारी चीजें जानी और ये सारे न्याय संगत है हमारे शास्त्रों से, इन्होंने जानकारी ली है। किताब अगर आप देख रहे हैं इससे भी ज्यादा शास्त्र इतने हैं कि एक इंसान अपने जीवन में उसको अध्ययन करना बड़ा ही मुश्किल है। बहरहाल इन्होंने जितना किया है और पूरा टेक्निकली तौर पर इन्होंने सारी चीज़ों को रखा है, तो आप इसके विषय में क्या सोचते हैं और आपके मत क्या है, और आप मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र में ये जो चननी का सिस्टम है जो देखते हैं उसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है। बहरहाल फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार के वीडियो के लिए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।